हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। कैसे हो आप लोग? ये दूसरी वीडियो आ रही है, थोड़ा इसमें भी टाइम आ गया वीडियो आने में। यार बहुत लोगों का मेरे पास सजेशन आ रहा था कि एक वीडियो बनाने के लिए, और बहुत मतलब मेरे पहचान में भी जितने थे उसमें से भी बहुत लोग बोल रहे थे कि यार एक वीडियो बना जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के आजू बाजू जो भी फ्लैट्स हैं, मतलब थोड़ा बजट फ्रेंडली हो और ये सब चीज़, और फ्लैट भी अच्छे हों, और कितने लोग रह सकते हो फ्लैट में, कितना BHK मिल जाएगा और कितने में मिल जाएगा, तो ये सब मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, अभी मैं अपने फ्लैट पे ही हूँ और ये फ्लैट कहाँ पे, ये सब बताऊंगा मैं अभी। फ्लैट का नज़ारा देखो, व्यू देखो फ्लैट का, और अभी मैं 20th फ्लोर पे हूँ, पीछे देख सकते हो मेरे, ये देखो। ठीक है, और इस तरफ अपना ऐसा कुछ व्यू देखो गाइस, JCB की खुदाई चल रही है, देख पा रहे हो? अच्छा मैं आ गया क्या, मेरे को भी देख ही लो। तो चलो अवन, सबसे पहले चलते हैं। ठीक है, तुम लोगों को हर चीज टूर कराता हूँ, थोड़ा नीचे लेके चलता हूँ, और थोड़ा मेरे को काम भी है, गैलेरिया जाना है तो गैलेरिया भी दिखाता हूँ, और लास्ट में अपन बात करेंगे हर चीज की, कितना लग जाएगा, कितना नहीं लगेगा, और क्या क्या सिस्टम बैठेगा फ्लैट लेने के लिए यहाँ पे, तो सब बताऊंगा। और भाई सबसे पहली चीज़ बता दूँ, यहाँ सबसे अच्छी चीज़ है गार्ड उड का कोई चोट नहीं है भाई, आराम से आओ, समझ रहे हो? जितने फ्रेंड्स भी लेके, जो भी फ्रेंड लेके आने, लेके आओ। और मैं देख रहा फ्लैट से बाहर जा रहा हूँ, अभी नहीं दिखाऊंगा फ्लैट। बहुत गंदा पड़ा है, थोड़ा देर रुक जाओ जब तक मैं थोड़ा अपना काम करा लूँ, और काम भैया के साथ जा रहा हूँ मैं, देख रहे हो? और जाहिर है अपने को भराना है गैस सिलेंडर, ये झांडवर का गैस सिलेंडर जब भराओ तुरंत ख़त्म हो जाता है यार, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। गैस पाइपलाइन यहाँ पे, गैस पाइपलाइन यहाँ पे है कि नहीं भैया? है, अपने में क्यों नहीं लगाया यार? स्टावर में भी आया नहीं है, स्टावर में नहीं आया, मतलब भाई देखोगे तो गैस पाइपलाइन अगर मिलता होगा तो वो देखना, ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे, भाग दौड़ करना नहीं पड़ेगा। और वो दिख रहा है, वो है सामने गोल वाला गुंबज, ये है गैलेरिया, अपने को जाना है यहाँ है पैदल, लेकिन यहाँ सीधे से जाने का कोई रास्ता नहीं है, अपने को ऐसे इधर से जाके, इधर से घूम के जाना पड़ेगा वहाँ, समझ रहे भाई? तो मैं आ गया नीचे, ठीक है, अब नीचे का मौज दिखाता हूँ तुमको। ये रहा मेरे हाथ में गैस सिलेंडर, अपना नीचे का व्यू, ये अपनी बिल्डिंग, 20th फ्लोर पे अपन रहते हैं क्या, वहाँ मंदिर बन रहा है, दिख रहा होगा, देखो। और ये इसमें टॉप फ्लोर कौन सा, 26 है ना, टॉप फ्लोर 26 है गाइस, इसमें अपना देख रहे हो गार्ड उड बैठ के फुल चिल कर रहे हैं, गार्ड से तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्या, मजे लो जिंदगी के। तो बच्चे स्केटिंग करते हैं, और कुछ कुछ बच्चे तो यहाँ क्रिकेट भी खेल लेते हैं, और ये बच्चे लोगों के लिए झूला वूला लगा है, देख रहे हो? मस्त, इसमें झूल के तो मज़ा ही आ जाएगा। चलो भाई यार, यहाँ गाड़ी ना हो ना तो बड़ा दिक्कत आता है, गैलेरिया यहाँ कम से कम भाई पैदल पैदल अपने को जाना आना पड़ जाता है 2.5 किलोमीटर, और मेरे पैर में तो अभी थोड़ी सी दिक्कत भी है, तो जाना आना थोड़ा समझ रहे हो ना डिफिकल्ट हो जाता है। एक गाड़ी रहे तो भग से बैठे, बहन जो पहुँचे भागा भी, काम कराया और वापस आ गए, ऐसे में पैदल जाते जाते हालत ख़राब हो जाती है। तो भाई यहाँ रह रहे हो तो एक कम से कम स्प्लेंडर तो ले ही लेना, हालत खराब हो गई यार पैदल चलते चलते, तो देख रहे हो धूप बहुत ज़्यादा धूप है यार। देखो मैं वीडियो ऑन क्यों क्यों वो बताता हूँ, देखो यहाँ रहने का फ़ायदा है, कुछ चीज़ और है भाई, तुमको ना कृष्ण भगवान की मूर्ति देखने मिलेगी, अगर तुम्हारा इस तरफ में अगर तुमको फ्लैट मिलता है ये सब बिल्डिंग में, तो तुम सुबह सुबह उठ के यहाँ की जो व्यू मिलेगी ना भाई, कृष्ण भगवान की भाई, मतलब दिल को सजाएगा, मज़ा आ जाएगा यार। बैठ के खा भी सकते हो, समझ रहे हो? देख रहे हो गैलेरिया कितना मज़ेदार है,
सिनेमैटिक शॉर्ट्स तो अभी तक देख ही लिए होगे, मज़ा आ गया होगा देख के। होगा कार्बन की तरह सारा धूप एब्जॉर्ब कर लिया है मेरा टी शर्ट और जीन्स दोनों। अरे जीन्स कह रहा हूँ शॉर्ट। हाँ तो उसमें क्या कर सकता, आपको ब्लैक नहीं पहन के आना था। अरे ब्लैक मांबा वाला फीलिंग आ रहा है भाई, ब्लैक मांबा वाला। हाँ हाँ देख रहे हो भाई, शेर जा रहा था, शेर चीता ही कहंदे। और देखो शेर अभी यहाँ से घूम के गया, नहीं पता क्या करके गया, और मेरे को लग रहा है शायद ये पढ़ के वो वापस चल गया। नहीं हुआ मेरी टर्न। ठीक, थ्री टू वन। ओए ले, ये ले। हो जाएगा, हो जाएगा। नहीं हुआ, मिसअंडरस्टैंड। देखो अब हो जाएगा, अब देखो। छोड़ो गाइस, मेरे से नहीं होने वाला। बहुत ज्यादा तेज हो गया। गेम में हार गया मैं, जिंदगी में भी हार गया हूँ, गेम में भी हार गया हूँ। बहनचोद क्या होगा। ये वॉकअप भी बहुत तगड़ा है भाई। हाँ यार, कितना प्यारा लग रहा है ना गाइस। ला मैं दिख। हाँ यार, चलो यार फ्लैट में चलते हैं, भूख लग रही है, सुबह से कुछ खाए नहीं है, और तुम लोग फ्लैट भी दिखाना है तो बहुत हो गया टाइम पास। चलो फटाफट तुमको फ्लैट दिखाता हूँ और बताता हूँ कितने तक में मिल जाएगा और क्या सीन है। ठीक है चलो। अगर यहाँ पे फ्लैट लिए हो और फर्स्ट फ्लोर में आपको फ्लैट मिल रहा है तो बिल्कुल मत लेना भाई। फर्स्ट फ्लोर का हाल कैसा है पता है? फ्लोर का ये फ्लैट है, ये इनकी बालकनी है देखो। अभी आप बोल रहे होगे कि लोग गंदा रखे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखो इनकी भी बालकनी, ये दूसरे का फ्लैट है, इनकी भी बालकनी पूरी गंदी है। ये इसलिए होता है कि ये देखो, ये ऊपर जितने भी फ्लैट वाले हैं ये ऊपर से कचड़ा फेंक देते हैं, तो इसके अंदर चलते हैं क्या। ये सबसे पहले हमारे भाई दिखते हैं, सुनील भाई। ये खड़े रहे एकदम पानी पीते हुए। ये हमारा हॉल, ठीक है। थोड़ा सा गंदा पड़ा है तो इग्नोर मारना, क्योंकि साफ करने बोला था तो कोई किया नहीं। अपने पास ये एक्स्ट्रा गद्दा था तो इसको यहाँ रख दिए हॉल में। देख सकते हो बड़ा सा हॉल है, मस्त। ठीक है, गेट का भी खुला ही रहने दो। जैसे हॉल से अपन पार करते हैं तो ये अपना किचन, ठीक है। किचन भी थोड़ा सा गंदा पड़ा है तो इग्नोर मारो, ठीक है। और ये अपना एक फर्स्ट रूम जो किचन से लगा हुआ मिल जाता है, देख रहे हो। यम्मी, जानते ही होगे, ठीक है। यहाँ से एक अपने को एक बालकनी मिल जाएगी, तो ये बालकनी वैसे तो दोनों अटैच है, तो तुमको उधर ही से जाके दिखाता हूँ। क्या यसु ऐसे कर दे भाई। ये हमारे आलसी रूममेट। मैं तुमको देखो ठीक है। ये एक रूम जिसमें हमारे शंकर भगवान ऐसे देख रहे हो, ये व्यू मिलता है। अभी कुछ करके नहीं रखे, गंदा सा पड़ा हुआ है सब। ये रात से अभी लेट सो के उठे ना। ये एक अपने को किचन मिल जाता है, देख सकते हो। यो अबे किचन नहीं, बाथरूम बोलते हैं उसको। अरे सॉरी यार, सॉरी। अरे यार बाथरूम, अरे यार मेरे मुंह से निकल गया।
ठीक है भाई, ये एक दूसरा बाथरूम इसमें भी अटैच मिलेगा हर रूम में, 2 BHK है ये। देखो ये फिर अपना बालकनी जो कि बता रहा था मैं अटैच बालकनी है, देख लो। देखो ये वाले रूम से मैं तुमको दिखा रहा था, ओ ठीक है भाई, तो हर चीज़ अच्छे से दिखा दिया। अब देखो, अब सुनो यहाँ पे क्यों मैं बोल रहा था कुछ कुछ चीज़ें। तो देखो भाई यहाँ पे एक चीज़ है कि ये थोड़ा आउटर में है, ठीक है, अपना मेन सिटी में नहीं है, तो देख सकते हो कोई सिटी नहीं दिख रही होगी, पूरा ऐसी है। तो भाई मैं बता रहा था कि देखो यहाँ यूनिवर्सिटी जाने के लिए तो ऑटो मिल जाएगी, ठीक है, 35 रुपये जाने का लेते हैं, 35 रुपये आने का, तो टोटल 70 रुपये का खर्चा जाने आने का। लेकिन भाई अगर तुम शाम के टाइम में सोच रहे हो कहीं जाने का कि परी चौक निकल जाऊँ या उधर निकल जाऊँ, तो भाई तुम नहीं जा सकते यहाँ से, तुमको रैपिडो वीडो करने पड़ेगी, जिसकी मतलब कॉस्ट यार बहुत लेते हैं वैन चो, क्योंकि यहाँ से देखो 8 किलोमीटर यूनिवर्सिटी पड़ता है, और भाई यूनिवर्सिटी के अगर एकदम पास में रहना है तो वो धनकौर गाँव टाइप का है, तो वहाँ भाई मतलब तुमको 2000-3000 ऐसे में रूम मिल जाएंगे, तो वहाँ भी तुम रह सकते हो, लेकिन वहाँ रह नहीं पाओगे। अगर तुमको सही शॉट चाहिए तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। और एक निम्बस भी है, निम्बस का ब्लॉग में डालूंगा, निम्बस के भी फ्लैट दिखाऊंगा मैं इसके बाद, ठीक है। तो वो भी मस्त है, वो भी 8 किलोमीटर उधर तरफ पड़ता है, लेकिन वो सिटी तरफ पड़ता है, ये थोड़ा आउटर हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से तो यहाँ शाम के टाइम में ऑटो ऑटो कुछ भी नहीं मिलती, तुमको पैदल ही हर चीज़ देखना पड़ेगा। जैसे अभी भी देखे मैं बाहर गया था, कोई ऑटो नहीं थी, मेरे को जाके पूरा पैदल जाके सामान लाना पड़ा, तो ये सब थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन रहने के लिए बहुत अच्छा है, कॉस्ट फ्रेंडली है। ये जो अभी मैं तुमको अपना फ्लैट दिखाया, ये 12,000 मंथली लेते हैं, और अगर तुमको फ्लैट यहाँ पे लेना है तो फर्स्ट मंथ का एडवांस देना पड़ेगा, और मतलब फर्स्ट मंथ का एक एडवांस पेमेंट होगा, मतलब 2 पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, और ब्रोकर हाफ ब्रोकरेज लगेगा जिसके थ्रू आप लोगे यहाँ फ्लैट, तो ये चीज़ है, जितना मतलब तुम्हारा वो रहेगा उसका हाफ ब्रोकरेज लगता है, ठीक है, फ्लैट जितने का रहेगा। तो ये सब सीन है यहाँ पे, एग्रीमेंट का थोड़ा हुई तो ये सब हो जाता है भाई, तो तुम यहाँ रह सकते हो, हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ मिल जाती है, बस वही ट्रैवलिंग का थोड़ा दिक्कत है यहाँ से, बाकी सब तो सीन सेट है भाई, मज़े करो, ठीक है। अभी यूनिवर्सिटी जाऊँगा तो कभी यूनिवर्सिटी कभी पूरा दिखाऊँगा, ठीक है। तो अभी ब्लॉग ख़त्म करते हैं, वीडियो अच्छी लगी होगी तो नीचे दिए गए रेड बटन को समझ लो क्लिक कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई को यार, ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, चलो बाय, शेयर कर देना भाई, और